इन प्लांट्स में क्या आप दो क्लोन्स पहचान सकते हैं? साइंस में जब क्लोन्स की बात की जाती है तो उसका मतलब ऐसे जीवों से होता है जो ठीक एक दूसरे के जैसे हों, यहाँ तक कि उनका डीएनए भी सेम हो। ट्विन्स नेचुरल क्लोनिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स की क्लोनिंग कर सकते हैं? आइए प्लांट से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि किसी फार्मर, गार्डनर या प्लांट ब्रीडर को किसी एक खास प्लांट की बहुत सी कॉपीज चाहिए, तो वो इसके लिए कटिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका अपनाएगा। इसके लिए वो पेरेंट प्लांट से टहनियां काट के उनके एक सिरे को हार्मोन रूटिंग पाउडर में डिप करेगा। इसके बाद टहनियों को मिट्टी में दबाने के कुछ समय बाद जो पौधा तैयार होता है वो ठीक अपने पेरेंट प्लांट के जैसा होता है या अपने पेरेंट प्लांट का क्लोन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पौधों की टहनियों में स्टेम सेल्स मौजूद होने की वजह से ये पॉसिबल होता है? स्टेम सेल्स ही अलग अलग सेल्स और टिश्यूज के बीच अंतर कर पाती हैं। इस प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि प्लांट टिश्यू के एक छोटे से टुकड़े से सैकड़ों प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, पेरेंट प्लांट से कुछ सेल्स को लेके उन्हें एंटीसेप्टिक टेक्निक की मदद से न्यूट्रिएंट जेली में रखा गया है। सेल्स के डिफरेंशिएशन के साथ वो धीरे धीरे प्लांट्स में तब्दील होने लगते हैं। एनिमल्स की भी क्लोनिंग की जा सकती है, लेकिन इनके क्लोनिंग टेक्निक्स प्लांट्स की क्लोनिंग से अलग हैं। एनिमल्स में सिर्फ एम्ब्रियो स्टेम सेल ही किसी एडल्ट में पाई जाने वाली अलग अलग सेल्स के बीच अंतर कर पाती है। एनिमल क्लोनिंग के लिए जनरली दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। उनमें से पहला है एम्ब्रियो क्लोनिंग। मान लीजिए किसी किसान के पास बहुत सारा दूध देने वाली एक गाय है और अगर किसान उससे कई बछड़े चाहता है तो उसके लिए वो बुल के स्पर्म की मदद से गाय का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएगा। समय के साथ एम्ब्रियो की ग्रोथ तब तक होती है जब तक वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बॉल में तब्दील नहीं हो जाती। स्पेशलाइजेशन से पहले एम्ब्रियो यूट्रस से हटा के सेम डीएनए वाली अलग अलग एम्ब्रियोज में डिवाइड कर ली जाती है। इसके बाद इन्हें अलग अलग गायों के वूम में रख दिया जाता है। एम्ब्रियोज की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काउज को सरोगेट काउज कहा जाता है। बुल के स्पर्म की वजह से सभी सरोगेट काउज एक दूसरे की क्लोन होंगी, न कि अपनी माँ की। As expected, ये क्लोनिंग किसान की उम्मीदों को भी पूरा करती है। इसके ठीक उल्टा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बुल्स और काउज के जीन्स के रैंडमली मिलने के कारण ज्यादातर ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो किसानों की उम्मीद के खिलाफ हो सकते हैं। क्लोनिंग का एक और मेथड अडल्ट सेल क्लोनिंग है, जिसमें एक अडल्ट एनिमल का क्लोन तैयार किया जाता है। आपने 1996 में पहली बार क्लोन की गई डॉली नाम की शीप का नाम जरूर सुना होगा। हालांकि क्लोनिंग के इस प्रोसेस में बहुत से स्टेप्स शामिल थे, आइए उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो अडल्ट फीमेल से एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल लेके उसमें से न्यूक्लियस हटाया गया था और फिर किसी दूसरे अडल्ट से स्किन सेल लेकर उसे एग सेल में इंसर्ट किया गया था। इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से मिले हुए एग सेल को स्टिमुलेट कराया गया, जिससे रिजल्ट में हमें एम्ब्रियो मिला। एम्ब्रियो के डेवलप होने पे उसके आगे की ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए सरोगेट मदर के वूम में रखा गया। एक ही डीएनए होने की वजह से पैदा हुआ बच्चा उस अडल्ट का क्लोन होगा जिससे बॉडी सेल लिया गया होगा। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत विवादास्पद है और कई एथिकल इश्यूज के लिए जिम्मेदार भी है। इनमें सबसे पहला तो ये कि इसका इस्तेमाल इंसानों की क्लोनिंग के लिए किया जा सकता है, जो ये सवाल खड़ा करती है कि एक सक्सेसफुल क्लोन के लिए कितने क्लोन्स को नष्ट किया जा रहा है या दूसरे मानवाधिकारों को, जो दूसरों के जैसे ही हकदार हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लोन्स के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स के क्लोनिंग के अलग अलग मेथड्स को देखा। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।